स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस नई और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लास इलेवेंथ की पॉलिटिकल साइंस का, जो 24 मार्च 2021 को एग्ज़ाम हुआ है। ये वीडियो मैं 25 मार्च 2021 को डाल रहा हूँ। क्लास इलेवेंथ पॉलिटिकल साइंस मिड टर्म क्वेश्चन पेपर है 2021 का, तो ये विद सॉल्यूशन के साथ में, यानी कि फुल सॉल्यूशन, या फिर ये कह लीजिए कि इस क्वेश्चन पेपर की आंसर की आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहले तो देखिए क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर है क्लास इलेवंथ का। टाइमिंग है 3 घंटे की और मैक्सिमम मार्क्स वेटेज है 80 मार्क्स की। ठीक है, तो कुछ सामान्य निर्देश हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपका सेक्शन ए आता है, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होते हैं। तो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हम जो वो सबसे लास्ट में करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे 2 मार्क्स के जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे सेक्शन सी पे। ठीक है, सेक्शन सी में देखिए 2-2 मार्क्स के प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है अनुच्छेद 368 का वर्णन कीजिए या फिर इसके विषय में लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 20 है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए अनुच्छेद 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर था हमारा 19। इसका आंसर देखिए आप किस तरह से लिखेंगे, 2 पॉइंट लिखेंगे इसमें। संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियाँ प्रदान करता है। यानी कि 368 अनुच्छेद जो है वो संसद को यह शक्ति देता है कि वह संविधान में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध यानी कि नए नियम जोड़ सकती है और उन्हें हटा भी सकती है या फिर बदलकर उनमें संशोधन भी कर सकती है। ठीक है, तो 2 मार्क्स में पूछा गया है, तो आप ये 2 ही पॉइंट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं। तो ये तो बहुत ही इजी सा प्रश्न है, आप सभी को ही पता होगा ये क्या है, एक बार फिर भी देख लेते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ है सभी नागरिक जो अपनी जाति, शिक्षा, धर्म, रंग, नस्ल और आर्थिक गतिविधियों की परवाह किए बगैर 18 साल या उससे अधिक उम्र के हो चुके हैं, उन्हें मत देने का यानी कि वोट देने का अधिकार मिल गया है। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का आधार होता है। ठीक है, तो ये है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे है 21 है कि भारतीय संसद के 2 सदनों के नाम लिखिए। और उसके बाद है कानून के शासन से क्या अभिप्राय है, संसद के 2 सदनों की क्या आवश्यकता है। तो पहले हम देखते हैं संसद के 2 सदनों के नाम क्या हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है क्वेश्चन नंबर 21 है संसद के 2 सदनों के नाम। पहला सदन का नाम है लोकसभा और राज्यसभा। अब आप ये 2 वर्ड लिख देंगे तो आपको 2 नंबर तो मिलेंगे नहीं, इसके बाद में 1-2 लाइन जरूर लिख दीजिएगा। भारतीय संसद के अस्थायी सदन को लोकसभा कहते हैं, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसके 542 सदस्य चुने जाते हैं और वर्तमान में इसके 543 सदस्य हैं। राज्यसभा की बात करें, भारतीय संसद के अन्य सदन को जो स्थायी सदन होता है उसे राज्यसभा कहते हैं और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि कानून के शासन से क्या अभिप्राय है। ठीक है, और अथवा में है संसद के 2 सदनों की आवश्यकता क्यों है, इसका वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले कानून के शासन से क्या अभिप्राय है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है भाग एक है। देखिए साधारणता कानून के शासन का अर्थ होता है संवैधानिक सरकार जो अपनी शक्ति का प्रयोग स्वेच्छाचरित के स्थान पर कानून के अनुसार करती है। यानी कि साधारण कानून के शासन का अर्थ ये होता है कि जो सरकार है वो संविधान के अनुसार अपने कार्य करती है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कानून के शासन का अर्थ है किसी देश में कानून ही सर्वोच्च है और कानून से ऊपर कोई नहीं। कानून के शासन का अर्थ ये हो जाएगा कि किसी भी देश में कानून ही सर्वोच्च है और उससे ऊपर कोई नहीं है। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि सरकार की समस्त शक्तियाँ कानून के द्वारा सीमित हों और जनता पर कानून का शासन है, ना कि स्वेच्छापूर्ण इच्छा का शासन है। ठीक है, फिर दूसरा इसी में प्रश्न था संसद में 2 सदनों की आवश्यकता क्यों थी। ठीक है, क्यों पड़ी,
तो वो प्रश्न भी देख लीजिए। तीन पॉइंट बता रहा हूँ आपको, दो लिखने थे आपके, ठीक है। पहला देखिए, विविधता से पूर्ण देश प्रायः द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं ताकि समाज को सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। यानी कि भारत एक विविधता वाला देश है जिसमें विभिन्न धर्म जाति लिंग के आधार के भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं, तो ऐसे में समाज के सभी वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए दो सदनों की आवश्यकता पड़ी। दूसरा है, इसका एक अन्य लाभ यह है कि एक सदन द्वारा लिए गए निर्णय दूसरे पर पुनर्विचार हो सकता है। यानी कि एक सदन के द्वारा अगर निर्णय लिया गया है तो उस पर उस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाएगा। एक सदन कोई भी निर्णय जल्दबाजी में थोप नहीं पाता है। प्रत्येक विधेयक और नीति पर दो बार विचार होता है। इससे क्या होता है कि अगर उसमें कुछ गलत है, कुछ संशोधन करना है, तो उसमें संशोधन करने की गुंजाइश होती है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन जो सी था, जिसमें दो दो मार्क्स के ये चार प्रश्न थे, यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको समझ में अभी आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला सेक्शन डी, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन डी में देखिए, हम ये दो प्रश्न पहले करेंगे चार चार मार्क्स के। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का क्या उद्देश्य है और सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्या है? तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे दो से तीन तीन चीज़ें यहाँ पे लिखनी है, तीन बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। पहले ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व क्या हैं और इनकी मुख्य बातें क्या हैं वो लिखना है, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा भी बहुत नियमों की ज़रूरत थी। ऐसे में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे नीति निर्देश सरकारों को दिए गए हैं जिनको न्यायालय में चुनौती तो नहीं दी जा सकती है, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से यह आग्रह किया जा सकता है एवं सरकार का ये दायित्व भी बनता है कि जिस सीमा तक हो सके इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाए, ठीक है। अब इसके उद्देश्य देखिए, पहला है, राज्य नीति निर्देशक तत्व सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को बढ़ावा देते हैं। नीति निर्देशक तत्व बताते हैं कि व्यक्तियों को और क्या क्या अधिकार दिए जाने बाकी हैं। नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं, यानी कि ये सामाजिक हित पर आधारित होते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है। वहीं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में दो पॉइंट और, ये मतलब उनके जो तत्व हैं उनकी प्रमुख बातें और याद रखेंगे कि वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए, वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए, वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने आपको तकरीबन 7 पॉइंट बता दिए हैं, 8-9 पॉइंट हो गए हैं। इसमें से आप 5 से 6 पॉइंट याद अगर आपने लिखे हैं तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, या लिखेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली का वर्णन कीजिए या फिर क्या है? तो देखिए, सिंपल सा आंसर है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सा आंसर है। देखिए, भारत में चुनाव के लिए सर्वाधिक वोट के आधार पर जीत की प्रणाली को अपनाया गया है। अब देखिए क्या है, पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही प्रतिनिधि चुना जाता है, ठीक है, और मतदाता जो है वो प्रत्याशी को वोट देता है, यानी कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा होता है उसे वोट देता है। पार्टी जो होती है, पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल सकती हैं। वहीं आगे पॉइंट है, विजयी उम्मीदवार होता है उसे ज़रूरी नहीं है कि वोटों का 50% से ही ज़्यादा मिले, ठीक है। उदाहरण के लिए यह प्रणाली यूनाइटेड किंगडम और भारत में अपनाई जा रही है। अब इस प्रणाली की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि यह सरल प्रणाली है उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति एवं चुनाव का अधिक ज्ञान नहीं है। चुनाव के समय मतदाताओं के पास एक स्पष्ट विकल्प होता है। इसमें प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी भारत में सर्वाधिक वोट के आधार पर जीत की प्रणाली जो है उसकी कुछ मुख्य विशेषताएँ थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, सिविल सेवाओं के वर्गीकरण कैसे किया गया है, स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं, उदाहरण से बताइए।
इनकी सिविल सेवाओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है और स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो पहला है सिविल सेवाओं का वर्गीकरण, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक छोटी सी भूमिका आपको लिखनी है कि कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रीगण और नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है, इसे नागरिक सेवा कहते हैं। अब देखिए सिविल सेवाओं का वर्गीकरण, सबसे पहले अखिल भारतीय सेवाएं, पहला क्या है अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा और जैसे कि भारतीय पुलिस सेवा, फिर आती है केंद्रीय सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय सीमा शुल्क सेवा के अफसर इसमें सम्मिलित होते हैं। प्रांतीय सेवा की अगर हम बात करें तो उसमें डिप्टी कलेक्टर सम्मिलित होते हैं, बिक्री कर अधिकारी सम्मिलित होते हैं, ठीक है। वहीं हम पाँचवें की बात करें, पॉइंट 5.4 की बात करें, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS तथा भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS के उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। किसी जिले का जिला अधिकारी यानी कि कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है और ये सामान्यतः IAS का स्तर का अधिकारी भी माना जाता है। यानी कि सिविल सेवाओं के वर्गीकरण के क्वेश्चन में आप पहले तो नागरिक सेवा क्या होती है ये लिखेंगे और सिविल सेवाओं के वर्गीकरण में अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, ठीक है, और IPS के इसके चुनाव के बारे में आप लिखेंगे, ठीक है। वहीं इसमें अगला प्रश्न था हमारा स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए या फिर सहित लिखिए। तो इसमें भी एक सिंपल सी एक भूमिका बनाएंगे कि कार्यपालिका में मुख्यतः प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रीगण, नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का विशाल संगठन सम्मिलित होता है और इसे नागरिक सेवा कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सम्मिलित होता है वो देखिए, दक्ष प्रशासनिक मशीनरी, भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है कि नौकरशाही राजनीतिक रूप से तटस्थ है। प्रजातंत्र में क्या होता है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह नई सरकारों को अपनी नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में उनकी मदद करे। दूसरा पॉइंट है नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव। नौकरशाही में अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी, लोक उपक्रमों की तकनीकें, एक प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित होता है जिनका चुनाव लोक सेवा और राज्य सेवा आयोग के द्वारा किया जाता है। तो ये भी देख लीजिए तीसरा पॉइंट, लोक सेवा और राज्य सेवा आयोग। भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC को सौंपा गया है। ऐसा ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाया गया है जिन्हें राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो स्थायी कार्यपालिका होती है इसके जो प्रश्न का उत्तर है वो आप इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 25 भी ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या है, न्यायिक सक्रियता का क्या अर्थ है, ठीक है, अथवा में है सर्वोच्च न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यायिक सक्रियता के बारे में। देखिए भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या फिर सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। अब इसके बारे में देखिए क्या है कि किसी अदालत के दिए गए फैसले पर स्पेशल लाइव पिटीशन के तहत अपील पर सुनवाई की जाती है, ठीक है। न्यायिक सक्रियता को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई है। जो न्यायिक सक्रियता है इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया है और कार्यपालिका जो है वो उत्तरदायी बने इसके लिए उसे बाध्य भी बनाया है। वर्तमान समय में न्यायिक सक्रियता से कार्यपालिका तथा न्यायपालिका में न केवल विरोध पनप रहा है बल्कि इसको लेकर कार्यपालिका तथा विधायिका में जबरदस्त हलचल एवं बहसें जो बहस होती है, चर्चा होती हैं, वो अक्सर होती रहती हैं। तो न्यायिक सक्रियता के बारे में आप ये 3 से 4 पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। वहीं बात करते हैं न्यायपालिका के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के बारे में। तो सबसे पहले तो एक छोटी सी भूमिका लिखेंगे, न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में अनेक विद्वानों की अलग अलग परिभाषाएँ दी गई
जो इसका अर्थ स्पष्ट करती हैं। लेकिन साधारण रूप में तो न्यायिक पुनरावलोकन न्यायपालिका की वह शक्ति है जिसके द्वारा न्यायपालिका विधायिका के माध्यम से निर्मित विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है न्यायपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों का दोबारा से उनका पुनरावलोकन कर सकती है। ठीक है, आगे देखिए, अब इसमें पॉइंट लिखेंगे। इसके माध्यम से न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका के द्वारा निर्मित विधि यानी कि जो कानून है, ठीक है, निर्मित विधि संविधान सम्मत है या नहीं है। विधि के संविधान के प्रतिकूल पाए जाने पर यानी कि संविधान के अनुरूप ना पाए जाने पर न्यायपालिका उसे असंविधान घोषित कर सकती है। भारत व अमेरिका में इस शक्ति ने न्यायिक सक्रियता को जन्म दिया है, यानी कि इसी शक्ति की वजह से न्यायिक सक्रियता जो है उसका जन्म हुआ है। ठीक है, फिर देखिए तीसरा पॉइंट है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका को ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करती है कि वह कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त रहकर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो ये था न्यायिक पुनरावलोकन से संबंधित हमारा जो क्वेश्चन 26 था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के निकायों ने महिला सशक्तिकरण को कैसे बढ़ावा दिया है। यानी कि सिंपल सी बात है, महिला सशक्तिकरण को किस प्रकार से बढ़ावा मिला है आपको ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्थानीय शासन के बारे में दो लाइन लिखेंगे कि गांव या जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं, यह आम आदमी के सबसे नज़दीक का शासन होता है। सन 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन पारित किया गया था और सन 1993 में इनको लागू कर दिया गया था। अब बात करते हैं महिलाओं की स्थिति के बारे में। स्थानीय निकायों में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है आरक्षण का प्रावधान जो है अध्यक्ष और सरपंच जैसे पद के लिए भी है। इस कारण निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों पर आसीन है। अब इसमें से एक दो जो डाटा है आपको वो लिख देना है। ठीक है, कि आज कम से कम 200 महिलाएं जिला पंचायतों में, 2000 महिलाएं प्रखंड अथवा तालुक पंचायतों में, 80,000 ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच हैं, नगर निगमों में 30 महिलाएं मेयर यानी कि महापौर हैं, तथा नगर पालिका में 500 से ज़्यादा महिलाएं अध्यक्ष पद पर आसीन हैं और इन्हें 33% आरक्षण भी दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि सिंपल सी बात है, स्थानीय निकाय में, स्थानीय शासन में जो महिलाओं की स्थिति है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो है ये आपका चित्र से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, जो ये चित्र जो है वो आपका चैप्टर 3 से आया है, जिसमें आपकी चुनावी ये चैप्टर 3 का नहीं, चैप्टर 5 का है। तो देखिए इसमें दो प्रश्न पूछे गए हैं, कौन कौन से हैं देखिए, 2 मार्क्स में पहला है कि यह कार्टून क्या दर्शाता है, संसद विभिन्न मंत्रालयों पर किस प्रकार वित्तीय नियंत्रण रख सकती है। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का पार्ट ए है, संसद एक हाकिम है और यह मंत्रीगण बड़े दीनहीन लग रहे हैं, विभिन्न मंत्रालयों को धन आवंटित करने की संसद की शक्ति का यह परिणाम है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो दूसरे प्रश्न में देखिए लिखेंगे, प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने संसाधनों को बढ़ाती है, लेकिन लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रख सकती है। वो किस तरह से रखती है, देखिए संसद की वित्तीय शक्तियाँ उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती हैं। वहीं तीसरा पॉइंट है, सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना ही पड़ता है। यानी कि सरकार क्या खर्च करती है, कितना खर्च करती है, कहाँ खर्च करती है, कब खर्च करती है, ये सारा ब्यौरा संसद को देना पड़ता है। संसद यह भी सुनिश्चित करती है कि सरकार ना तो गलत खर्च करे और ना ही ज़्यादा खर्च करे। संसद यह सब बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्य के माध्यम से करती है, यानी कि जो बजट पेश होता है उसके माध्यम से अपना ये कार्य करती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है,
कि किस मौलिक अधिकार को संविधान की हृदय की आत्मा की संज्ञा दी गई है और क्यों दी गई है। और अथवा में प्रश्न है, न्यायपालिका के द्वारा दिए जाने वाले 5 रिट कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो ये दोनों प्रश्न एक ही हैं, बस इनमें इसकी भूमिका जो है 4-5 लाइन की वो अलग होगी। वो कैसे, देखिए, सबसे पहले तो एक छोटी सी लाइन लिखेंगे कि संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि इसके अस्तित्व पर ही समस्त अधिकारों का अस्तित्व आधारित है। इस अधिकार के द्वारा नागरिक उच्चतम न्यायालय से अपने अधिकारों की रक्षा करा सकते हैं और इस अधिकार के अंतर्गत न्यायालय कई विशेष आदेश जो यानी आदेश जारी करते हैं, जिन्हें रिट कहा जाता है। अब वो रिट कौन कौन से हैं, देखिए, सबसे पहला रिट है बंदी प्रतीक्षीकरण। न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को, जो न्यायालय है वो किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को छोड़ने का आदेश देती है। फिर दूसरा है परामदेश। जब न्यायालय को यह लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, तो इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, तब वह न्यायालय ये परामदेश रिट जो होता है इसे जारी करता है। फिर तीसरा आता है निषेधादेश। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके, यानी कि वो अपने क्षेत्र के अधिकार से अधिक किसी मुकदमे की सुनवाई करता है, तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करती हैं और उसके उस मुकदमे की सुनवाई को रोक देते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ आता है अधिकार प्रत्याह। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पद पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार प्रत्याह के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। यानी कि पूरी तरीके से हटा तो नहीं पाता है, लेकिन उसे कार्य करने से रोक देता है। फिर पांचवा पॉइंट है उत्प्रेक्षण रिट। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेक्षण के द्वारा ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, तो उससे वो अधिकार छीनकर ऊपर की ओर हस्तांतरित कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जो था हमारा 30 का पार्ट 1 एंड 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है कि 21वीं सदी में नए चुनावी उपकरण तकनीक से किस प्रकार से प्रक्रिया में सुधार में चुनाव की प्रक्रिया जो उसमें वो निभा रहे हैं, यानी कि 21वीं शताब्दी में नए चुनावी उपकरण यानी कि तकनीकी रूप से कैसे चुनावी प्रक्रिया के सुधार में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अथवा में है राज्यसभा के उम्मीदवारों के चयन के लिए अपनाई जाने वाली समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को समझाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर देखते हैं। देखिए 30 है, ये है आंसर। देखिए हम बात करते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में। सर्वाधिक वोट पाने वाली जीत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव व्यवस्था की तुलना दलों की प्रतिनिधि की है। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए ही अपनाया है। अब वो किस किस तरह से किए जाते हैं, देखिए हमारा संविधान यानी भारतीय संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। ये तीसरा नहीं, सॉरी, दूसरा होगा, दूसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और कभी कभी तो पूरा देश ही एक निर्वाचन क्षेत्र गिना जाता है। जो छोटा देश है अगर वहाँ पे ये प्रणाली अपनाई जा रही है तो उसे ही पूरा का पूरा निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है। ठीक है, फिर एक निर्वाचन क्षेत्र जो होता है उससे कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं, यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र से अलग मतलब बहुत सारे प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। और जो मतदाता होता है वो पार्टी को वोट देता है
और हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में ही विधायिका को सीटें मिलती हैं और विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है और यह प्रणाली जो है वो इजराइल और नीदरलैंड में अत्यधिक अपनाई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो अथवा वाला आंसर है, राज्यसभा के उम्मीदवारों के चयन के लिए अपनाई जाने वाली समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को समझाइए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों अगले और आखिरी प्रश्न की जो 6 मार्क्स का है। अभी हमारे मल्टीपल चॉइस के प्रश्न बचते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए और 91 है सॉरी अथवा में है 91 संविधान संशोधन के विषय से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसके दोनों ही आंसर देखेंगे, पहले प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री तथा सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर किसी भी सदन के यानी कि संसद सदस्य के रूप में उसे निर्वाचित होना पड़ता है। अब उनकी शक्तियों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो सरकार में सर्वोपरि कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का स्थान सरकार में सर्वोपरि होता है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री बहुमत दल प्राप्त का नेता होता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, अर्थात प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। जैसे ही वह बहुमत खो देता है वह अपना पद भी खो देता है। फिर तीसरा पॉइंट है मंत्रिपरिषद का प्रधान। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान ही यह तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन से जो लोग हैं वो मंत्री होंगे और मंत्री जो प्रधानमंत्री है यही विभिन्न मंत्रियों के पद और उन्हें मंत्रालयों का आवंटन करता है। इसी कारण मंत्रिपरिषद का प्रधान ही मंत्री होता है। ठीक है, फिर देखिए पॉइंट 4 है राष्ट्रपति को सलाह देना। पॉइंट 4 क्या है? राष्ट्रपति को सलाह देना। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरे की मतलब दूसरी ओर प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करता है और अन्य मामलों में राष्ट्रपति को सलाह भी देता है। पांचवा है प्रधानमंत्री के शक्ति के स्रोत। मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण, लोकसभा का नेतृत्व, मीडिया तक पहुंच, चुनाव के दौरान उसका व्यक्तिगत उभार, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में राष्ट्रीय नेता की छवि, अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य, विदेशी यात्रा के दौरान नेता की छवि, ये सभी जो है वो प्रधानमंत्री के शक्ति के स्रोत हैं। क्या क्या? मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखना, लोकसभा का नेतृत्व करना, मीडिया तक उसकी पहुँच का होना, अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य, विदेशी यात्राओं में एक मतलब लोकप्रिय नेता की छवि का उभरना, ये सभी जो हैं वो उसकी जो शक्ति हैं उसका स्रोत है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फर्स्ट हुआ कंप्लीट 32 का। अब इसके हम बात करते हैं जो अथवा में प्रश्न है। 91 संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। यह अनुच्छेद कहता है कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल 15% से अधिक नहीं होगी। यानी लोकसभा में अगर 100 सदस्य हैं तो मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या वो 15 होगी। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। संसद के किसी भी सदन या किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है तो वह सदस्य मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य हो गया। यानी कि अगर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने से मना कर दिया जाता है तो वह मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य साबित होगा। दूसरा है संसद या राज्य विधानमंडलों ने किसी भी सदन का कोई भी पार्टी का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य करार दिया जाता है तो वह सदस्य लाभ के किसी राजनीतिक पद के लिए भी अयोग्य माना जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि संसद या विधानमंडल के सदन चुनाव में अगर उसे अयोग्य साबित कर दिया गया तो वो मंत्री भी नहीं बन सकता है, राजनीति के किसी लाभ के पद पर भी नहीं बैठ सकता है। ठीक है, फिर है केंद्र अथवा राज्य सरकारों के अधीन ऐसा कोई भी पद जिसके लिए उस सरकार के लोक राजस्व से वेतन या पारिश्रमिक दिया जाता हो। फिर है पॉइंट 4 है कि 10वीं अनुसूची में वर्णित विधायक दल के 1/3 सदस्यों को
दल बदल से अयोग्य घोषित होने से रोकने वाले प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था और इसका अर्थ यह हुआ कि दल बदलुओं के बीच फूट के आधार पर उन्हें कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, हालांकि ये आपकी किताब में नहीं दिया गया है, ये अभी जो करंट अफेयर्स है उससे संबंधित प्रश्न था। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 91 कह रहा हूँ, जो आपका 32 था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के एमसीक्यू प्रश्न उत्तर की। तो देख सकते हैं दोस्तों, सेक्शन ए है हमारा और एमसीक्यू प्रश्न है पहला कि किस वर्ष 2019 तक भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके थे। आपके ऑप्शन है 100, 101, 102, 103। तो इसका सही आंसर है 103। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि दिए गए कथन के समक्ष सही अथवा गलत लिखिए। कथन है बाल श्रम से बचाव शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है, तो ये कथन सही है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन है 1985, 1990, 1993, 1998। तो इसका सही आंसर है 1993। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका छोटा सा भाग नीचे भी है। देखिए, इनमें से कौन सा कार्य संविधान नहीं करता है। यह नागरिकों के अधिकारों की गारंटी देता है, सही है। यह शासन के विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, सही है। गा है, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएँ। यह सब कुछ साझे मूल्य यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। तो इस संदर्भ में जो संविधान का कार्य नहीं है वो तीसरा है कि यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आएँ। ठीक है, क्वेश्चन 5 देखिए, बताएं कि संविधान के बारे में जो निम्नलिखित कथन है वो सही है या गलत है। कि सरकार के गठन और उसकी शक्तियों के बारे में संविधान एक लिखित दस्तावेज है। अब देखिए, ये जो प्रश्न है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रश्न है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आप मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स जरूर चेक कीजिए, मैं आंसर जो है वो पिन कर दूंगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वर्तमान में जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन हैं। तो वर्तमान में भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं सुनील अरोड़ा, श्री सुनील अरोड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एग्जिट पोल क्या होता है। एग्जिट पोल वो होता है, एक सेकंड देखिए इसका आंसर दिखाता हूँ आपको। देखिए ये है आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का था सुनील अरोड़ा। एग्जिट पोल के बारे में हम बात कर रहे थे, एग्जिट पोल चुनावी सर्वे का एक हिस्सा है। जब वोटर अपना वोट डालकर मतदान केंद्र से बाहर निकल रहा होता है तो इसे सवाल किया जाता है कि उसने वोट किसे दिया है। इसी प्रक्रिया को जब व्यापक स्तर पर यानी कि बड़े स्तर पर किया जाता है और बड़े स्तर पर जो नतीजे निकल कर आते हैं उसे ही एग्जिट पोल कहते हैं। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, निम्नलिखित में से चुनावी सुधार के अंतर्गत प्रयास माना जाता है ईवीएम को, वीवीएटी को, नोटा को, उपरोक्त सभी। तो इसमें देखिए, जो अगर हम इंग्लिश में देखते हैं WAPT तो ये आंसर यहाँ पे गलत आता है, लेकिन हिंदी में देखें VVPAT तो ये आंसर सही है। तो इस संदर्भ में जो उपरोक्त सभी वाला आंसर होगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि दिए गए कथन के लिए सही अथवा गलत लगाइए। लोकतंत्र में संसद कराधान तथा सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रख सकती है। तो लोकतंत्र में संसद नहीं बल्कि विधायिका जो होती है, विधायिका नहीं कार्यपालिका जो होती है, वो सरकार द्वारा धन के प्रयोग पर नियंत्रण रख सकती है। ठीक है, अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी कि ये जो क्वेश्चन 9 है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, खाली स्थान भरिए। वर्तमान में डैश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। 11वां प्रश्न देखिए, निम्न दिए गए कथन के सही अथवा गलत में गलत लिखिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल राज्यसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, गलत है, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यानी कि ये प्रश्न जो है वो गलत है। 12वां प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ किसे दी गई हैं। तो औपचारिक रूप जैसे ही जहाँ पर आ जाते हैं शक्तियों के बारे में, तो समझ लीजिए वहाँ पर राष्ट्रपति की बात की जा रही है, यानी कि ऑप्शन 1 सही है।
13वां प्रश्न देखिए, भारत में कितने सर्वोच्च न्यायालय हैं? तो भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है जो कि दिल्ली में है। कहाँ पे है? दिल्ली में है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, न्यायाधीशों को वेतन और भत्ता कहाँ से दिया जाता है? तो न्यायाधीशों को वेतन और भत्ता जो राज्य का वित्त आयोग होता है वहाँ से दिया जाता है। क्वेश्चन 15 है, गांव के स्थानीय शासन से निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? 10वां, 50वां, 70वां या 73वां? तो हमने स्थानीय शासन वाले में पढ़ा था कि 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण इलाकों से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पंचायती निकायों की कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं? तो इसका सही आंसर है 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 में क्या है, एक अनुच्छेद दिया हुआ है। इस अनुच्छेद के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक मार्क्स के 4 प्रश्न, तो देख लीजिए सभी प्रश्नों का आंसर एक ही बार में आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का पहला देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं। और दूसरा है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है। फिर तीसरा है, अनुच्छेद 14 से 18 में कौन से मौलिक अधिकार के विषय के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में समता के मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया। मौलिक अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 14 से 18 समता का मौलिक अधिकार। और फोर्थ है इसका 17वें का, संवैधानिक उपचारों को अधिकार कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो एक अनुच्छेद है, वो है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में वर्णित है, ठीक है। तो यानी कि 17वें का थर्ड, 17वें का पहले का थर्ड, सेकंड का थर्ड, और थर्ड का फर्स्ट और फोर्थ का सेकंड, ये सही है, ठीक है। तो स्रोत आधारित क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। दूसरा देखिए 18वां प्रश्न है, यहाँ पे आप इसको पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसे पढ़ लीजिएगा, छोटा सा ही है। हम इसके प्रश्न उत्तर की बात करते हैं। तो प्रश्न देखिए 18वें का पहला है, कानून की सामान्य प्रक्रिया के तहत भारत में किसे अदालत जाने का अधिकार है? केवल पुरुषों को है, एक सेकेंड, आपके ऑप्शन है केवल पुरुषों को है, ठीक है, केवल महिलाओं को है, केवल युवाओं को है, या भारतीय नागरिकों को है? तो इसका आंसर होगा सभी भारतीय नागरिकों को कानून की सामान्य प्रक्रिया के तहत भारत की किसी भी अदालत में जाने का अधिकार है। दूसरा देखिए, पी आई एल का सही रूप क्या है? तो PIL का सही रूप है सेकेंड वाला, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। फिर है, PIL की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो देखिए मैंने इसका इंटरनेट पर और आपकी किताब में भी देखा है, तो इसमें बताया जा रहा है कि 1980 के दशक में, तो 1980 का दशक देखें तो 70 से 79 का दशक, और इसमें बोला है मध्य के बाद, या 1980 के 80 का जो दशक है उसके मध्य में हुई है इसकी शुरुआत, तो यानी कि 1970 तो हो नहीं सकता, तो बचता है फिर मध्य के संदर्भ में 1979। तो PIL की शुरुआत जो है वो 1979 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, SAL का सही रूप क्या है? तो SAL का सही रूप है सोशल, एक सेकेंड, SAL का सही रूप है सोशल एक्शन लिटिगेशन, ठीक है। क्या सही रूप है? सोशल एक्शन लिटिगेशन, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, ये जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो दोस्तों आज की जो वीडियो थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्लास 11th के बच्चों के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर तो जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, अगले आपके किसी प्रश्न पत्र की सॉल्यूशन वाली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।